बच्चों, हमने अभी तक पढ़ा कि जिस तरह से भवानी और शिव का मिलन हुआ था और जिस तरह से चित्रा और अर्जुन का मिलन हुआ था, ऐसा सुंदर मिलन हमारी का विवाह हुआ था, वैसा ही सुंदर माहौल हमारे झांसी की रानी और हमारे मराठा साम्राज्य के महानायक गंगाधर राव के विवाह का था। आगे अब हम पढ़ेंगे, देखेंगे कि झांसी की रानी के जीवन में क्या परिवर्तन आया विवाह के बाद, है ना। उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके से काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी दया नहीं आई। जितना माहौल सुंदर और सुरम था, चारों तरफ खुशहाली फैली थी, सारे जनता से लेकर के महल के हर सदस्य राजा रानी के विवाह के वीरता के और उनके यश गाथा के गीत गा रहे थे। ये सुंदर माहौल पर गति यानी विधि की नजर लग गई। झांसी के गंगाधर राव की मृत्यु हो गई और पूरा झांसी शोक में डूब गया। झांसी को हड़प करने के लिए जो माहौल बनने लगे, यहाँ पर एक बात यहाँ पे बताई जा रही है कि जो महलों में उजियाली छाई हुई थी वो काल गति के नजर लगने से पूरी तरह से अंधेरे में डूब गई। तीर चलाने वाली रानी के हाथों में उसे सुंदर सुंदर चूड़ियां और खुशियों के माहौल पसंद नहीं आए और रानी जो है वो विधवा हो गई, गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। पूरे माहौल में निराशा छा गई। ऐसे में हमारा डलहौजी जो है वो राजा की मृत्यु का मौके का फायदा उठाने के लिए आगे आ गया। उसने अपनी सेना भेज करके किले पर अधिकार कर लिया, यह बोलकर कि राजा का कोई उत्तराधिकारी नहीं। निःसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी। राजा के सिंहासन का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। गंगाधर राव और हमारी लक्ष्मीबाई के कोई संतान नहीं होने के कारण अंग्रेजों ने उनके सिंहासन और किले पर अधिकार करने के लिए डलहौजी ने अपने हाथ पांव फैलाकर दुर्ग पर अधिकार करने की घोषणा कर दी। चारों तरफ राजा की मृत्यु का शोक का माहौल हो गया था। झांसी पे में कोई उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए अंग्रेजों ने उनका उत्तराधिकार का अधिकार लेने का निर्णय करने लगा किया। राजा के दुर्ग पर यानी झांसी के दुर्ग और राज्य पर अधिकार करने का एक नया माहौल बनने लगा। बुझा दीप झांसी का जब डलहौजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने ये अच्छा अवसर पाया। उसे ये बड़ा ही अच्छा अवसर मिल गया था जहां पर वो अपनी मनमानी करने के लिए तैयार हो गया और उसने इसका तरीका बड़ा ही आसान निकाला। उसने अपनी फौजें भेज करके अंग्रेजी फौजों का एक जत्था भेज करके उस दुर्ग पर अपने अधिकार का परचम फहरा दिया। लावारिस का
यानी वो बताना चाहता था कि ये राज्य लावारिस है और इसकी देखभाल का जिम्मा मैं देता हूं। रानी से झांसी की बर्बादी की स्थिति देखी नहीं गई। रानी ने चारों तरफ जब देखा कि अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया है और रानी दुख से भरी हुई है, उसकी आंखों में चारों तरफ दुख भरा था। ऐसे माहौल में हम ये देख रहे थे कि रानी ने आगे आकर के फिर से अपने राज्य का, अपने झांसी की रक्षा का निर्णय ले लिया। रानी अपने दुख से दुखी थी, लेकिन उसने अपने राज्य को बचाना उससे भी ऊपर सर्वोपरि समझा। अनुने विने नहीं सुनता है विकट फिरंगी की माया। व्यापारी बन दया चाहता था जब वह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया। राजा नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराए। जब अंग्रेज हमारे भारत में आए थे तो वे व्यापारी बन करके हमारे राजाओं और नवाबों के सामने हाथ बांधे खड़े रहते थे कि हम आपके राज्य में व्यापार करना चाहते हैं। और आज वही हमारे राजाओं के ऊपर अपना अधिकार जमा चुके थे। और यही दारुण दृश्य हमारी झांसी में भी दिख रहा था। रानी जो थी राजा के मृत्यु के बाद दासी की स्थिति में पहुंच गई थी, लेकिन जैसे ही उसने अपने राज्य की रक्षा करने का निर्णय लिया तो वह महारानी के रूप में पुनः स्थापित हो गई। उसके विचार, उसके व्यवहार महारानियों के जैसे दिखाई देने लगे। और ये कथा हम बुंदेलखंड के हरबोले और लोक गायकों के मुंह से सुनते हैं, जो हमारे देश की वीरता की कहानियां सुनाते हैं। छीनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात। कैद पेशवा था बिठूर में, नागपुर का भी हुआ घात। उदयपुर, तंजोर, सतारा, कर्नाटक के कौन विसात। यहाँ पर आप देख रहे हो कि पूरे भारत के अलग अलग हिस्सों में उन लोगों ने अधिकार कर लिया था। कहीं राजधानी छीन ली गई थी, कहीं पर अनाधिकार चेष्टा के द्वारा, गलत सही नीतियों के द्वारा अधिकार कर लिया गया था। कहीं के पेशवा को कैद कर लिया गया था। यहाँ पे दिखा भी जा रहा है कि बिठूर के पेशवा को कैद कर लिया गया था और नागपुर पर भी उन्होंने अपने नजर गड़ा रखी थी। उदयपुर, तंजोर, सतारा, ये सारे क्षेत्र, पंजाब, सिंध, ब्रह्म, सभी जगहों पर उन्होंने माहौल को भारी मुसीबत में, यानी सामान्य जनता के जीवन को मुसीबत में बदल दिया था। धोखे से, किसी भी तरीके से वो सिर्फ और सिर्फ हमारे भारत के विभिन्न राज्यों पर अधिकार करना चाहते थे। बंगाल, मद्रास आदि सारे क्षेत्रों की यही स्थिति थी। और ये कहानी हम बुंदेलखंड के लोक गायकों के मुंह से सुनते हैं, जिन्होंने हमारे भारत की महारानी यानी शक्तिशाली स्वतंत्रता नारी की गाथा सुनाते हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। रानी रोई रनवासों में, बेगम गम से थी बेजान। चारों तरफ का माहौल आप यहाँ पर देखोगे बच्चों कि परिस्थितियां किस तरह से बदलती जा रही थी। यानी हमारे महलों में रहने वाले लोगों जो, यानी रानी और उनके सदस्यों की हालत बुरी थी, वैसे ही सारे बड़े बड़े नवाबों की, बेगम की हालत बेजार हो गई थी। उनके पास जो महंगे गहने कपड़े थे वो सब उनसे छीन लिए जाते थे। जिन पे सोने चांदी के हाथ करके काम किए हुए और सिलाई और बुनाई के काम किए हुए रहते थे, महंगे महंगे जो रहते थे, वो सारे के सारे कीमती कपड़े, सामान
उठा करके कलकत्ते के बाजार से में बेचे जाते थे। और इन अगर इनको बेचना रहता था तो उनके बड़े बड़े अखबारों में नीलामी छपती थी, जिससे हमारे राजाओं नवाबों की और भी ज्यादा बदनामी होती थी। और वो ना इस तरह से छापते थे, नागपुर के जेवर ले लो, न लखनऊ के नौलखा हार ले लो, ऐसे उनके बड़े बड़े विज्ञापन छापते जाते। झांसी पूरी तरह से अंग्रेजों के अधिकार में, न केवल झांसी बल्कि हमारे देश के बड़े बड़े राज्य राज्यों के राजनेता, मतलब हमारे सारे राजा राजवंश के बड़े बड़े सभी सदस्य उनके सामने झुक गए थे। यूं पर्दे की इज्जत परदेसी हाथ बिकानी थी, यानी जो मान मर्यादा हमारे देश की थी वो सारी के सारी विदेशियों के हाथ बिक रही थी। हमारे छोटे छोटे घरों में, बड़े से बड़े शहरों में, चारों तरफ दुख कष्ट और अपमान का माहौल फैल चुका था। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान। इस परिस्थिति का बदला लेना या इस परिस्थिति को बदल डालने की एक चिंगारी हमारे समाज में उत्पन्न होने लगी, और इसका मुख्य रूप से प्रभाव ये था कि हमारे वीर सैनिकों ने अपने पुरखों का अभिमान जगा लिया था, वो अब उनके सामने अपमानित होकर के नहीं रहना चाहते थे। नाना, आपने जैसे पढ़ा है कि नाना धुंधुपंत पेशवा के साथ हमारी लक्ष्मी क्या कहते बाई का बचपन गुजरा था, तो नाना धुंधुपंत पेशवा भी देश की आजादी के सारे साजो सामान जुटाने में लग गए थे, और दूसरी तरफ हमारी छबीली यानी हमारी लक्ष्मी बाई ने रणचंडी का रूप धारण कर लिया था। किसी भी हालत में अंग्रेजों के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं थे। बहुत हो गया, अब हम अपने देश और अपने राज्य की रक्षा खुद करेंगे। चारों तरफ देश की रक्षा, अपने राज्य की रक्षा के लिए लोग अपनी जीवन को न्यौछावर करने के लिए तैयार हो गए थे। यहाँ पर इसलिए लिखा हुआ है, हुआ यज्ञ आरंभ, उन्हें तो सोई शक्ति जगानी थी। हर लोगों के मन में जो कष्ट और वेदना छिपी पड़ी थी उससे दूर करने की, उससे बाहर निकलने की लिए हर किसी के मन में एक चिंगारी जगाने का काम, शुभ काम यज्ञ के रूप में चारों तरफ नाना धुंधुपंत पेशवा और हमारी लक्ष्मी बाई करना आरंभ कर दिए। बुंदेलखंड के हर बोलों के मुंह से हम ये कहानी सुनते हैं कि खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी।